परम पूजनीय कृपालु महाराज जी की बेटी का अंतिम संस्कार 28 नवंबर को वृंदावन में किया जाएगा, जिसमें लाखों की ताकत में लोग शामिल होंगे। जगतगुरु कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का पार्थिव शरीर दिल्ली से वृंदावन लाया गया है। प्रेम मंदिर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहाँ भक्त और लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। 28 नवंबर को वृंदावन में यमुना तट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले एम्बुलेंस से श्यामा त्रिपाठी को वृंदावन लाया गया। वह मंदिर के अंदर हैं। हादसे में वह घायल हो गई थी। नोएडा में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी। 75 वर्षीय डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी अपनी बहन श्यामा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी, सचिव दीपक और 5 अन्य लोगों के साथ सिंगापुर जाने के लिए वृंदावन से रविवार सुबह 2 ककारों वह जैसे ही नोएडा के दनकौर इलाके में पहुंची, तभी एक अनियंत्रित कंटेनर ने उनकी कारों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी दोनों बहन घायल हो गई, जिन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया।